सर चौधरी चरण सिंह जी की आज पुण्यतिथि है सर, किसानों के मसीहा थे वो, वहाँ चलेंगे ना, और है गए वो क्या करें, ठीक है सर है? क्या पक्का हो जाएगा एक साथ, आइए आइए माइक ठीक है सर। चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, नई पीढ़ी के लिए क्या संदेश देंगे? चौधरी चरण सिंह जी वो नेता रहे जिन्होंने किसान मजदूर को जगाने का काम किया, वो वैसे नेता थे जिन्होंने हमेशा किसान और खेती और किसान कैसे खुशहाल हो, बिना किसान के खुशहाल हुए हमारा भारत देश नहीं खुशहाल हो सकता है, वो उनका सपना था। और चौधरी साहब को मानने वाले लोग समाज के हर वर्ग के लोग थे, हर वर्ग के लोगों ने चौधरी साहब को किसानों का नेता माना, किसान नेता, और देश के वो किसान नेता थे जिन्होंने समय समय पर किसानों की लड़ाई लड़ी, हक के लिए लड़ाई लड़ी, उनके सपने पूरे हों उनका दिखाए हुए रास्ते पर नेताजी से लेकर के हम समाजवादी लोग लगातार चलते रहे हैं। और आज जब उन्हें याद कर रहे हैं तो ये संकल्प जरूर लेते हैं कि किसान खुशहाल होगा तभी हमारा देश खुशहाल होगा। विधान परिषद का चुनाव है, ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के पास संख्या बल नहीं है लेकिन वो समय की बर्बादी और पैसे की बर्बादी कर रही है। मुझे याद है मुझे किसी ने अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने जो पत्र लिखा था अपने बेटे के टीचर को, उसमें एक लाइन थी और उस लाइन का भाव ये था कि मेरे बेटे को सिखाना कि नकल से नहीं पास होना है बल्कि अगर फेल भी हो जाए लेकिन उसके लिए नकल नहीं करनी है। सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल संख्या का नहीं है। ये बीजेपी के लोग लेटरल एंट्री पर एक भी जवाब नहीं दे सकते, ये बीजेपी के लोग जिन्होंने आउटसोर्स में मनमानी भर्ती की है और जो काम पा रहे हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके जवाब इनके पास नहीं है। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए थे उन अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं, आज नौकरी नहीं है और नौजवान सड़कों पे घूम रहा है। ये सरकार वो है जो कहती है कि केवल 100 में 4 लोग बेरोजगार हैं, इनकी बात कौन मानेगा? जो संविधान की शपथ लेते हैं उसके बाद संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं, आज न्याय नहीं मिल रहा है। और आज की अखबार अगर आप पढ़ें, हमें दुख होता है इस बात का कि जो फोर्स सबसे महत्वपूर्ण काम करती है वो फोर्स सबसे ज़्यादा करप्ट मानी गई, आज ही की अखबारों में रिपोर्ट है। और जिस पुलिस फोर्स को समाजवादी सरकार में डायल 100 दिया गया, उनके लिए वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देकर के पुलिस हेडक्वार्टर दिया, उनके ट्रेनिंग के लिए बेहतर किए हों, ये सरकार कर रही है। और नीति आयोग से ये सरकार के लोग मिलके आए हैं, नीति आयोग ने कहाँ खड़ा किया यूपी को, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आज स्वास्थ्य विभाग देखिए एकदम कबाड़ा कर दिया इन्होंने। आज स्वास्थ्य विभाग में न बिस्तर है, न स्ट्रेचर है, न ऑक्सीजन है, न दवाई है, न इलाज है, न ऑपरेशन है, और मशीनें पुरानी पड़ी हुई हैं। क्या उम्मीद करते हो कि 10-10 साल पुरानी, 14-14 साल पुरानी जो ऑब्सोलीट हो गई मशीन उनसे इलाज होगा? ये तो सपना दिखा रहे थे कि गरीब को इलाज होगा, आज इलाज किसी सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रहा। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बिजली का दाम कितना देना पड़ रहा है, क्या ये बिजली का बिल कम कर सकते हैं? तो ये जो चुनाव जीतना हारना संख्या किस पे कितनी है, कम से कम समाजवादियों ने पिछड़े और दलितों को जगाने का काम किया कि आपका वोट लेकर के आपका ही हक छीन रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं गरीब परिवार के। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में जो बैठे लोग हैं वो सामने खुल करके आएंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, प्रत्याशियों की मदद करेंगे। सकल पहलवानों के साथ जो जबरदस्ती हुई है दिल्ली में जंतर मंतर, यही तो है बेटी बचाओ। जब वोट चाहिए था तो बेटी बचाओ का नारा दिया, आज बेटियों का अपमानित कर रहे हैं। अब वोट की जरूरत नहीं है तो इसलिए क्यों बेटी बचाएंगे? यही बेटियां, यही नारी, यही बेटियां, यही
माताएं बहनें इनको अगले चुनाव में सबक सिखाएंगी। और ये अपमान लड़कियां भूलेंगी नहीं, प्लेयर्स भूलेंगे नहीं जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर 9 साल पूरे भी हो रहे हैं केंद्र सरकार को, और क्या लगता क्या 9 साल अब 10 नंबर ही हो जाएंगे, 10 साल पूरे हो जाएंगे, क्या उम्मीद करोगे? बिजली महंगी, कोटा बिजली का नहीं बढ़ा पाए, NHAI से किसी एक्सप्रेस वे के लिए बजट नहीं ला पाए, कहते हैं हम मुख्यमंत्री हैं। अरे NHAI का एक्सप्रेस वे का एक बजट लाए हो तो बता दें आप, और प्रदेशों में एक्सप्रेस वे के लिए बजट मिल रहा है, NHAI बजट दे रहा है, और जिस देश को प्रधानमंत्री इस प्रदेश ने दिया, NHAI का बजट क्या है? मुझे याद है प्रधानमंत्री के क्षेत्र में जब बिजली दी गई थी तो यही मांग की थी समाज सेवा ने कि बिजली का कोटा बढ़े, अगर बिजली का कोटा उत्तर प्रदेश का बढ़ जाए तो यहाँ लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। आप एम्स बनाना चाहते थे, क्या झूठे सपने दिखाए आपने? आप शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ खड़े हैं? आप स्वास्थ्य क्षेत्र में कहाँ खड़े हैं? नीति आयोग में गए होंगे, आपको अपनी हकीकत पता लग गई होगी कि नीति आयोग के आंकड़ों में आप कहाँ खड़े हैं। और फिर क्या सपना दिखा रहे थे उत्तर प्रदेश को, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट क्या है आपके पास? 0 इन्वेस्टमेंट से आप $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। इसलिए ये झूठे सपने दिखाना बंद करें सरकार। अतः जी ओम प्रकाश राजभर फिर से सरकार के साथ खड़े नजर आए हैं। जहाँ सरकार वहाँ वो है, अब उसके लिए क्या बोल सकते हैं, उनके लिए क्या बोल, उनके लिए पिछड़ा दलित उनके लिए क्या है? अपने ही राम जतन राजभर को हरा रहे हैं सरकार के संग बैठ करके, और सुना है वो गाड़ी में बैठ करके आए हैं। चलो एक दिन AC की हवा मिल गई उन्हें, अच्छा रहा। एक दिन डिप्टी CM के साथ बैठ करके AC की हवा, अब 1 साल ठीक रहेंगे। 1 साल उम्मीद करो ये सरकार के लिए ही काम करेंगे। अब थैंक यू, धन्यवाद। हो गया।